अगर ये स्कोर कम है तो इसको बढ़ाया कैसे जाएगा? कोई भी गेम खेलने जा रहा हूँ, अगर मैं स्क्वाड लगा रहा हूँ तो सीधे एरर दे रहा है, या डुओ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे सीधे एरर ही चल रहा है, क्योंकि मेरा स्कोर है वो 60 से कम। इसके लिए मैं कोई भी मोड नहीं खेल पाता हूँ, ना BR ना CS रैंकेड। लेकिन प्लस आप लोग करने जा रहे हो तो प्लस नहीं हो रहा है, मतलब आप कोई भी गेम खेल रहे हो, लोन वुल्फ खेल रहे हो तो प्लस नहीं हो रहा है। भाई साहब, ये वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा हॉनर स्कोर है वो अगर कम हो जाता है तो क्या आईडी बैंड हो जाती है, और अगर बैंड होती है तो क्या होगा, या सस्पेंड होती है तो क्या होगा अगर ये स्कोर एकदम कम होते जाएगा, और इसको बढ़ाना कैसे है कम टाइम में। तो भाई साहब, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ FF बॉय रवि के लिए, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजा था कि भाई मेरा 60 हो गया है, अब मेरी आईडी यहाँ पे बैंड हो गई है, मैं कोई भी गेम नहीं प्ले कर पा रहा हूँ। तो इसी के लिए यहाँ पे मैंने अपना 60 तो नहीं 59 कर लिया, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ये मेरी पर्सनल खुद की आईडी है, देख लो, ये मेरी पर्सनल आईडी है, किसी और की आईडी नहीं है। देख लो यहाँ पे हॉनर स्कोर, देख लो 59 है। तो इसको मैं बढ़ाऊंगा कैसे कम टाइम में, क्या ये कम होने से आईडी बैंड होती है सस्पेंड होती है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिल्कुल फ्री में होता, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम ईमानदारी से कर दो, कंजूसी मत करो यार, मतलब ही चाले मत करो, फ्री में काम होता है, लाइक सब्सक्राइब उतना कर दो तो दिल से अच्छा लगेगा। तो चलो अब बात करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपको फ्री में डायमंड चाहिए तो ये तरीके से आप ले सकते हो। भाई सब, अनलिमिटेड गूगल प्ले रिडीम कोड लेने के लिए मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में MRKPay का लिंक दिया है, वो वीडियो देख लो, और कैसे लेना है उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद जाना MRKPay.com पे, कॉइन बनाना और अनलिमिटेड गूगल प्ले का रिडीम कोड लेना। भाई रियल है, फेक नहीं है, क्योंकि वो मेरी पर्सनल वेबसाइट है, मैं दूसरी की गारंटी नहीं पर अपनी गारंटी दे सकता हूं कि वहां पर रियल हो रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार टेस्ट करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा रियल है या फेक है। तो चलो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हॉनर स्कोर से क्या आईडी बैंड होती है। तो भाई यहाँ पे आपको बता दूँ, ये हॉनर स्कोर से आईडी बैंड का लेना देना नहीं है कुछ। देखो, आईडी बैंड दो तरीके से होती है, या तो आप हैक लगा के खेलोगे तो आईडी बैंड होगी, या कोई आप अपने गेम के अंदर कोई इवेंट के अंदर छेड़खानी करोगे, मतलब डायमंड बढ़ाओगे या ग्लिच करोगे, या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप गेम प्ले करोगे, तो वो सबसे आईडी बैंड होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूं, बैंड और सस्पेंड एक ही वर्ड है, बैंड या सस्पेंड हो, सस्पेंड होती है सबकी आईडी, बैंड नहीं होती है, तो बैन और सस्पेंड वही कहा जाता है। अब बात करते हैं, क्या ये स्कोर से बैंड होती है क्या? नहीं भाई, ये स्कोर से ना बैंड ना सस्पेंड कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो बैंड और सस्पेंड क्यों होता है लोगों का। तो अब बात करते हैं, अगर ये स्कोर कम है तो इसको बढ़ाया कैसे जाएगा। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं कोई भी गेम खेलने जा रहा हूँ, अगर मैं स्क्वाड लगा रहा हूँ तो सीधे एरर दे रहा है, या डुओ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे सीधे एरर ही चल रहा है, क्योंकि मेरा स्कोर है वो 60 से कम। इसके लिए मैं कोई भी मोड नहीं खेल पाता हूँ, ना BR ना CS रैंकेड, ना कि यहाँ पे मैं कभी स्क्वाड भी बना पाऊंगा अगर मेरा 60 प्लस नहीं जाएगा। तो स्क्वाड बनाने के लिए मुझे 60 प्लस जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ग्रुप में जा सकता हूँ। तो ये भाई साहब मेरी आईडी के साथ हो गया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, इसके लिए मैंने 60 से नीचे लेके आ गया। और देख सकते हो भाई, ना CS रैंक ना BR रैंक कोई भी नहीं चल रहा है, ना तो मैं किसी को ग्रुप में बुला सकता हूँ। तो भाई ये बहुत गंदा सीन हो जाता है। तो ये बात का ध्यान रखो कि आप गेम बैक मत करा करो, मतलब हम अक्सर गेम खेलते हैं फट से बैक कर देते, कोई आपका फ्रेंड आ गया या कस्टम खेलने जा रहे हो तो जो भी आप गेम खेलते हो आप बैक करके आते हो, जिससे आपका ये स्कोर माइनस होता है। तो ये माइनस होने से आप रोको, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितने स्कोर मेरे माइनस हुए, फोर स्क्विड और AFK, ये सबके रीजन की वजह से ये माइनस होता है, होते होते मेरा आ चुका है देख सकते हो 59 पे। यहाँ पे सिर्फ माइनस ही नहीं होता है, अगर आप सही से पूरा गेम प्ले करोगे तो ये प्लस भी होता है, देख सकते हो मेरा प्लस होते होते 87 तक आ गया था, जो कि मैंने कम कर दिया था 82 तक, और उससे पहले भी मेरा कम हो चुका था, यहाँ पे 76 तक आ चुका था, लेकिन प्लस होता है, ठीक है। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया प्लस होता है, लेकिन प्लस आप लोग करने जा रहे हो तो प्लस नहीं हो रहा है, मतलब आप कोई भी गेम खेल रहे हो, लोन वुल्फ खेल रहे हो तो प्लस नहीं हो रहा है। वैसे लोन वुल्फ में प्लस नहीं होता है, प्लस होता है या BR में या CS में, ये दो जगह होता है, या ये रैंकेड के अंदर, ठीक है। तो ये दो जगह होता है, तो आप लोगों का रैंकेड नहीं चलेगा जिसका भी भाई साहब 60 से नीचे है। तो इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा यहाँ पे बैटल रॉयल क्लासिक वाला, सादा वाला, ठीक है। और ना ही आपका चलने वाला है क्लैश स्क्वाड, देखो क्लैश स्क्वाड मैंने लगाया, स्टार्ट करूँगा एरर आ जाएगा, नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आप एक ही गेम खेल सकते हो,
वो है बैटल रॉयल। देखो ये मैंने अपनी आईडी में सत्यानाशी कर लिया है, लेकिन मुझे पता है इससे कोई भी रिक्स नहीं है। तो देखो यार, मैंने 82 लेवल की आईडी में अपना स्कोर 59 किया, तो आप समझ सकते हो कोई भी रिक्स की बात नहीं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बस अब ये स्कोर बढ़ाना है। तो ये स्कोर बढ़ाने के लिए आपको ये सिंपल वाला मतलब क्लासिक बैटल रॉयल गेम खेलना है। अब वो कितना गेम खेलना है आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हॉनर स्कोर जो मेरा प्लस हुआ है वो एक एक करके ज़्यादा हुआ है, एक 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 करके ही ज़्यादा हुआ है और दो करके नहीं हुआ है, सब एक ही हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लो, एक गेम आप खेलोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो एक एक पॉइंट बढ़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो, अगर मुझे हॉनर स्कोर 100 तक पहुँचाना है तो भाई यहाँ पे मुझे 41 गेम प्ले करना है। 41 गेम प्ले सही तरीके से करूंगा, गेम को काटूंगा नहीं, गेम को चालू करके बीच में खड़ा नहीं रहूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेरा हॉनर स्कोर 74 हो गया है 59 से, वो एक दिन में नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे बता दूं, जो मैं वीडियो बना रहा था वो वीडियो मैं बना रहा था यहाँ पे देख सकते हो 28 को, ठीक है, 28 अक्टूबर को वीडियो बना रहा था जहाँ पे मेरा 4 माइनस होके 59 हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्कोर है वो कितना प्लस होता है एक दिन में। एक दिन में अनलिमिटेड प्लस नहीं होता है, ये क्लियर कर दूं, वरना आप सोचोगे यार मेरा प्लस ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया उसके बाद प्लस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पहले आप सुन लो, 41 गेम तो मुझे खेलना है, लेकिन वो 41 गेम किस तरीके से खेलना है ये देख लो। देखो यहाँ पे अगर आप कोई भी गेम खेलते हो तो यहाँ पे एक दिन में आपको टोटल 5 प्लस करेगा पॉइंट। देख लो, वो 29 अक्टूबर को एक पॉइंट मिला, फिर 29 को एक और दो, फिर 29 को यहाँ पे तीन, 29 को यहाँ पे चार, 29 को यहाँ पे पाँच। उसके बाद मैंने बहुत सारे गेम खेला, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने लमसम 40 से 50 गेम खेला, वो भी अलग अलग CS और क्लैश स्क्वाड मिला के, लेकिन प्लस नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे यहाँ पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली सुबह 4 बजे से ये चलने लग गया। मतलब ये जो स्कोर है सुबह 4 बजे से बढ़ता है नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे तक, ठीक है, 24 घंटे के अंदर सिर्फ आपको 5 पॉइंट देगा। मतलब फिर 30 तारीख को मुझे एक पॉइंट मिला, फिर 30 तारीख को फिर दो, फिर 30 तारीख को फिर तीन, फिर चार, फिर ये पाँच। उसके बाद मैंने उसके बाद ही बहुत सारे गेम खेला, नहीं बढ़ा। लेकिन आज 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर को भी सेम वही चीज़ हुई, सुबह 4 बजे से पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हुआ। अभी आप बोलोगे यार सुबह 4 बजे मैं कैसे खेलता हूँ, देखो मैं सोते रहता हूँ, आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जो मैंने लेवल बढ़ाया है वो ऑटो क्लिकर से बढ़ाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी दिन रात चालू ही रहती है, यहाँ पे रुकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऑटो क्लिकर लगा के छोड़ देता हूँ, लेकिन पॉइंट ऑटोमेटिकली सुबह से बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। जो पहले गेम का मुझे एक पॉइंट मिला, फिर दूसरे गेम का दो, फिर तीन, चार, पाँच, देख सकते हो, बस यहाँ पे डेली 5 पॉइंट प्लस हो रहा है। तो जो यहाँ पे मैं पॉइंट पहुँचा हूँ वो 74। अब यहाँ पे कल 1 नवंबर है, तो 1 तारीख को 79 होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ 5-5 बढ़ेगा, फिर 79, फिर 84, फिर 89, फिर 94, इस तरीके से जाते जाते मुझे और 4-5 दिन लगेगा 100 करने में। तो समझ सकते हो यहाँ पे 100 पॉइंट करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर मुझे दिखाएगा, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा जब मैं माइनस दिखाया था, माइनस करने का कोई फिक्स नहीं है, एक दिन में 4-5 माइनस नहीं करता। देख लो यहाँ पे, देख लो 28 तारीख को 4 माइनस किया, फिर 28 तारीख को 2, फिर 28 तारीख को 4, फिर 28 तारीख को 4, फिर 28 तारीख को 2, फिर 28 तारीख को 2, फिर 28 तारीख को 4, 28 तारीख को 2, मतलब देख रहे हो माइनस करने का यहाँ पे इसका कोई लिमिट नहीं है, मगर प्लस करने का लिमिट है। ये चीज़ गलत किया है फ्री फायर ने। अगर आप प्लस करने में लिमिट लगा रहे हो तो माइनस करने में भी लिमिट लगाओ। मतलब बंदा अगर प्लस करना चाहता है ईमानदारी से खेल के, तो आप उसको खेलने का मौका नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ आप समझ जाओ कि फ्री फायर का जो ये रूल है बहुत टफ है। अगर आपका ये माइनस लगता है तो प्लस करने में टाइम लगेगा, एक दिन में मतलब 24 घंटे में सिर्फ 5 पॉइंट प्लस होगा। तो यहाँ पे पॉइंट का आप ध्यान रखो, तो ये सब मैं अवॉइड करूंगा, तो मेरा ये एक एक पॉइंट बढ़ते बढ़ते 41 गेम में मेरा 100 स्कोर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि स्कोर को कैसे बढ़ाना है। और हाँ, मेरे पास एक और ट्रिक है, वो है ऑटो क्लिकर। अगर आप लोग ने मेरी पुरानी वीडियो कभी देखा है ऑटो क्लिकर का, तो आपको पता ही होगा ऑटो क्लिकर लगा के आप लोग खाली छोड़ दोगे, जब भी आप रेस्ट करने जाते हो या कुछ भी आप काम कर रहे हो वो टाइम पे बैटल रॉयल मैच लगा के ऑटो क्लिकर इस पे लगा के आप छोड़ सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये रहा ऑटो क्लिकर, प्ले स्टोर पे सर्च करना ऑटो क्लिकर, ये आपको मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप आ जाओ, यहाँ पे अनेबल की बटन दिख जाएगी। देखो यहाँ पे सेटिंग में पहले जाके आप ये छोटा कर लेना,
ये यहाँ पे आप लोग का होगा इसको छोटा और ये इतना बड़ा होगा, इसको छोटा कर लेना। उसके बाद बैक करके आपको यहाँ पे दो अनेबल की बटन दिखेगी, एक ऊपर और एक बीच में, ठीक है। तो ये बीच वाली करना, ठीक है, जहाँ पे ये मल्टी टारगेट वाला है इस पर पिंक वाले अनेबल पे क्लिक करना और यहाँ पे न्यू कॉन्फ़िगरेशन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है आपके गेम में, ठीक है। ये देखो भाई साहब, ये भाई साहब कोई भी आईडी बैंड वाला तरीका नहीं है, एकदम सिंपल और जेन्यून है। जो मैंने 82 लेवल किया है वो यही तरीके से किया। अब आपको करना क्या है, ये ग्रीन कलर की प्लस बटन है ना, इस पर क्लिक करना है, ये आ जाएगी। इसको उठा के लाना है, आपको स्टार्ट पे रख देना है। उसके बाद आपको फिर एक और बटन लेके आना है दो नंबर की, ठीक है। ये दो नंबर की बटन कहाँ रखोगे, आपको स्क्रीन अपने मोबाइल को ना मतलब गेम को बैक करना है और जब यहाँ पे ओके आएगा ना जहाँ, वो ओके पे रख देना है, ठीक है। और उसके बाद एक और बटन आप लाओ तीन नंबर की, तीन नंबर की बटन एकदम कोने में लेके चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है वो मैं बताऊँगा अभी। देखो यहाँ पे आपको बस ये सेट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके ये सेव कर देना है। क्या सेव करना है, BR करके, ठीक है। जो भी आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो, और हाँ इसमें कुछ छेड़ना मत, इसको यहीं रहने देना और सेव कर देना। अब होगा क्या, जैसे मैं ये ब्लू वाली बटन प्ले करूंगा ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गेम लगेगा और गेम खेलेगा भी, मतलब खेलेगा नहीं एक ही जगह खड़ा रहेगा, और यहाँ पे आपका हर टाइम एक एक स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि देखो मैंने अभी यहाँ पे लगाया था बैटल रॉयल तीन गेम ऑटो क्लिकर के थ्रू, देख लो कितना कम कम टाइम मैंने लगाया है, एक मिनट है, और ये ऑटो क्लिकर ने इतने टाइम में ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये देखो क्या हो रहा है जादू, मैंने जैसे ये प्ले वाली बटन पे क्लिक किया, अपने आप ये इसने स्टार्ट भी कर दिया है। अब यहाँ पे ये गेम स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे जैसे आप मर जाओगे जोन से तो ऑटोमेटिक ये बैक भी कर लेगा, और बैक करने के बाद फिर से स्टार्ट करेगा और इसी तरीके से चलते रहेगा, मतलब समझ रहे हो। अगर मुझे 41 गेम खेलना है तो मैं आराम से ये तरीका फॉलो करके मैं ख़त्म कर सकता हूँ। देखो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि मैंने यही तरीके लगा के 41 गेम खेल के मैंने अपना स्कोर बढ़ा लिया है पूरा। तो बस यही ट्रिक लगाऊंगा, और कुछ भी ट्रिक नहीं है मार्केट में जिससे आप अपना हॉनर स्कोर बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।